नाम चरणजीत कौर, डेमोनस्ट्रेटर होम साइंस कृषि विज्ञान केंद्र श्री मुक्तसर साहब। अज आप टमाटर की सॉस बनाने सिखावे। सारे तो पहला तो मैं तुम्हें दसदी हूँ भी वास्ते की समान चाहिए। पहला तो टमाटर बिल्कुल जो पक्के हुए टमाटर आप चाहिए है, जिमें है ज़्यादा कच्चे टमाटर नहीं चाहिए, टमाटर पूरी तरह पक्के होने चाहिए। उस तो बाद जो है अपना समान जो चाहिए वो दसदी तुम्हें। जेडे तुम कंध वरतने या चाकू वरतना वो लोहे का नहीं होना चाहिए क्योंकि वह स्टील का होना चाहिए। जे तुम पकाने वास्ते जो बर्तन है वह भी तो लोहे के नहीं होने चाहिए, अलमीनियम या जो स्टील जो वरतते हो वो वाले तो बर्तन होने चाहिए है। बाकी जो कंटेनर के सॉस पा के रखनी है वो पहला तैयार होना चाहिए। जे ते को पहला वरत्या हुआ कंटेनर वरतते हो तो तुम्हें पानी के पा के वही जरूर उबाला दवा लो, ढक्कन भी उबाला दवा लो। जे कच का कंटेनर है तो बच्चे ही उबाला दवा लो। जे थोड़े को प्लास्टिक का कंटेनर है तो तुम्हें गर्म पानी के नाल चंगी तरह धोवो। कंटेनर थोड़े को पहला तैयार होना चाहिए। उस तो बाद मैं तुम दसदी हूँ वे वास्ते अपन की समान चाहिए। जे अपने को एक किलो टमाटर हैगे आपका जो समान है वो नोट कर सकते हो अभी तपकी पैन पर। एक किलो टमाटर वास्ते अपन 50 ग्राम चीनी चाहिए है, 10 ग्राम नमक चाहिए, 5 ग्राम लाल मिर्च, तो आप 5 ग्राम भी चाहिए गर्म मसाला। गर्म मसाले के नोट कर लो भी गर्म मसाले के बाजार वाला गर्म मसाला नहीं लेना, आप घरें पीसा हुआ गर्म मसाला लेना है। वो की मटीरियल पाना है मैं तुम्हें वो भी दस दिनी हाँ। बड़ी इलायची, दालचीनी, जीरा, लौंग, काली मिर्च, जिहड़ियां पंजों चीज़ां तुसीं 2-2 ग्राम लै लैणी आ ते उहनां नूं पीस के तुसीं इस तरह का मसाला जिहड़ा उह बना लैणा। पंजों चीज़ां नूं मिक्स करन तों बाद तुसीं मिक्सी दे विच इहनां पंजों चीज़ां नूं मिला के ये अपना गर्म मसाला तैयार है। जिहड़े भी तुसीं घर अचार तैयार करते हो जां चटनियां तैयार करते हो उहदे विच जिहड़ा गर्म मसाला है ये तुसीं घर वाला जिहड़ा आप बना के पाउणा हैगा। दोबारा फिर मैं एक बारी तुहानूं समान बोलदी हाँ। टमाटर पूरी तरह पक्के हुए 1 किलो, चीनी 50 ग्राम, नमक 10 ग्राम, लाल मिर्च 5 ग्राम, तो जिहड़ा गर्म मसाला जिहड़ा कि आपां मैं तुहानूं हुणे दस्सिया पीसिया होया घरे पीसिया होया जी वड्डी इलायची है, दालचीनी, लौंग, जीरा ते काली मिर्च 10 ग्राम आपां उह पाउणा है। तो जदों अपनी सॉस बन जाती है उहनूं आपां खराब होण तों बचाउण दे लई एक सुरक्षित पदार्थ हुंदा है सोडियम बेंजोएट। वो जी अपनी 1 किलो सॉस हैगी है तो 1 किलो के हिसाब के नाल अपना 2 ग्राम जो सोडियम बेंजोएट की सॉस में ज़्यादा मकदार के बनाने हो बॉटलिंग करनी है जो सेल वास्ते रखना चाहते हो तो 2 ग्राम 1 किलो के हिसाब न सोडियम बेंजोएट पाना है। पर जे तुसी थोड़ी मात्रा के बनाने घर के खाने वास्ते बना लगे हो फिर बेशक सोडियम बेंजोएट जोड़ा वो नहीं पा ना पाओ उन्होंने छड़ दो क्योंकि जो तुम सोडियम बेंजोएट पा लिया तो उस मटीरियल तुम 2 दिन तक खाना नहीं है। जे तुम खाने वास्ते तुम्हें चाहिए तो तुम पहला उन्हें साइड पर रख लो क्योंकि 2 दिन तक आप वरतना नहीं है। ठीक है, तो ये आप 5 ग्राम जोड़ा है वह पाना है सिरका, सिरका ज ग्लेशियल एसटिक एसड जोड़ा है वो पाना है, तो 5 ग्राम आप जो है सिरका पाना है। सिरका 5 ml जिम्मे जो 1 ml की या 5 ग्राम की जो मैं गल करती हाँ जो एक स्पून हैगा एक जोड़ा चम्मच जोड़ा है आप घर वरतते हैं खाने के लिए छोटा चम्मच जो आप किसी चीज़ का भर के उन्होंने पूरा लैवल करते हैं तो वह 5 ग्राम होंगे वो टीसी बिल्कुल उंगल के नाल साफ कर देनी है वह 5 ग्राम होंगे। जोड़ा उस तो थोड़ा व्डा चम्मच हूँ वह 10 ग्राम का, जी कड़छी है वह 20 ग्राम की भी हो सकती है तो 50 ग्राम की भी हो सकती है। जिमें घर तुम्हें नाप के वास्ते जितने असं 5 ग्राम या 10 ग्राम की वर्त करते हैं तो वह आप चम्मच के नाल नाप सकते हैं। जिमें मैं तुम्हें सॉस का जिम्मे समान दसता से उस तो बाद है भी आप जो टमाटर जिमें तुम मैं पहले ही दस चुकी हाँ भी चंकी तरह पक्के हुए जो टमाटर लेने हैं टमाटर चंकी तरह धोन तो बाद आप जी इस तरह के पीस जो कटिंग कर लेने जिमें पहले किए हुए हैं। ये पीस कट्टन तो बाद आप इन्हों कुकर दे विच पा के थोड़ा जा पानी पा के जे 1 किलो अपने टमाटर हैगे आ तो आप 100 ग्राम जोड़ा पानी पा के उन्हों एक विसल लवानी है कुकर दे विच पा के आप एक जी है विसल एक विसल देने तो बाद फिर आप जो टमाटर है उन्होंने आप मिक्सी दे विच मैश करांगे।
ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਬਾਲਾ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਛਾਣਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਬਾਲਾ ਦਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਣਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛਾਣ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਛਿਲਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਛਿਲਕਾ ਅਤੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛਾਣਨੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਲਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੁੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਰੀਕ ਛਾਣਨੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਪਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਲਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਭੁੰਨ ਲਈ, ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਪਲਪ ਭੁੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੋਟਲੀ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਆਵੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਛਿਲਕਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਛਿਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਟਲੀ ਬਣ ਕੇ ਮਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਮਿਰਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਦਈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੇਸਟ ਆਵੇ, ਛਿਲਕਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਚੀਨੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ 1 ਕਿਲੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਟਮਾਟਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਚੀਨੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੀਨੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਮਕ ਪਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਮ 'ਤੇ ਪਕਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਗਲਾਸ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਲੇਟ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸਿਮ 'ਤੇ ਪਕਾਈ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਕਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟ ਟੈਸਟ ਆ, ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸੌਸ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੰਮਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਖੁਰੂਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਲਾਸ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਸੌਸ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੌਸ ਪੂਰੇ ਸੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਜੂਗਾ, ਪਾਣੀ ਐਂ ਤੁਰਨੋਂ ਹਟ ਜੂਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇਟ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ ਖੁਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਜੰਮ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਸਿਰਕਾ, 2 ਗ੍ਰਾਮ 1 ਕਿਲੋ ਸੌਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੌਸ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ।
एंड पॉइंट तो बाद जो आप दसता एंड पॉइंट तो बाद फिर आप नाले की बॉटलिंग करनी है। जो थोड़े को कच दी बॉटल है कोशिश करो भी जी सॉस है कच दी बॉटलों के पाओ नाल दी नाल जो आप पावे फिर जी बॉटल के हवा नहीं भरती सारी सैटिंग जी वधिया होजूगी। वैसे अजक जिमें प्लास्टिक दी बॉटलों के भी पा सकते हो पर थोड़ा जहाँ ठंडा करके पाना पैना क्योंकि प्लास्टिक की बॉटल के जोड़ा है गर्म हो जाती है जिद करके पानी में चले जाना तो इस करके कोशिश करो भी तुम जी कच के बॉटल के भरो तो पर ढक्कन थोड़ी देर बाद लाओ जो थोड़ी ठंडी हो जाएगी